फ्रेंड्स, हाय दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा थापा है। ये मेरा पहला ब्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं ये सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, अच्छे के लिए कर रहा हूँ, आप सबको अच्छा लगे। पहली बार है, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, थोड़ा छोटा सा रहेगा। और मुझे आशा रखता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपेक्षा करेंगे आप लोग मेरे वीडियो को देख के सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। और इस तरह से मेरा वीडियो शुरू होता है। आ जाइए, आइए, पासाका की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से कुछ ही 2-3 किलोमीटर पे है, आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा। ये ट्रांसपोर्ट है, पार्क करती है तो यहाँ पे इस प्रकार से गाड़ियाँ सब यहाँ पे रखा हुआ है। सब भूटान की तरफ जाएंगे, भूटान में रोड अनलोड करेंगे। आज मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है मेरे लिए, ना ठंडा तो अभी चला गया मेरे ख्याल से, लेकिन फिलहाल इस 2 दिन का मौसम जो थोड़ा ठंडा लग रहा है हमें भी। दुकान है, छोटा छोटा दुकान बहुत मिलेंगे आपको यहाँ पर, इसमें सब कुछ मिलता है, चाय पानी वगैरह सब मिलता है, मास्क का सामान है यहाँ पर। आज मौसम बहुत ही खराब हो गया है, बहुत बादल छाया हुआ है, साथ। ये मेरा पहला वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगेगा, कुछ खराबी होने से आप कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझे, मेरा क्या कमी है, बोलते मैं उस पर काम करूँगा। पहला वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, ये उतना अच्छा से तो नहीं आया होगा, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए जो मेरा वीडियो देखेंगे। ठंडा बहुत ही ठंडा हो गया है, आपको ऐसे छोटा छोटा दुकान बहुत मिल जाएंगे। ये रिसोर्ट जैसा है, रेस्टोरेंट जैसा है, गर्मी ज़्यादा होता चिल आउट करने के जाते हैं। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, पासा कुछ ही दूरी पर ही है, वहाँ पर बड़ा गेट मिलेगा आपको, गाड़ी भी आने का जाने का खाली प्रॉब्लम है, आदमी नहीं जा सकता है अभी वहाँ से, आदमी जाने के लिए आप लोग गेट पे जाना पड़ेगा, टर्न गेट के सामने। ये व्यू है यहाँ का, तो मुझे तो बहुत ही पसंद है, आप लोग को पसंद आएगा नहीं आएगा तो आप बताइएगा, आपको ये व्यू से कैसा लगा। एशियन हाईवे है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नदी है यहाँ पे, तो बारिश का मौसम पे ही नदी चलती है, ये नदी का रूप ले लेती है, वरना तो सूखा मौसम में तो ऐसे सूखा रहता है। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी है यहाँ पे, ये पानी तो 2 दिन से बारिश हो रहा था उसके चलते यहाँ पे पानी जमा हुआ है, वरना ये तो ऊपर सूखा रहता था, अंत सूखा का मौसम आ गया है इसके लिए। पता नहीं 2-3 दिन से क्या मौसम हो गया हम लोग का इधर का, वो तो एकदम ठंड लग रहा है, बारिश हो रहा है, ओले भी गिर रहे हैं, हल्का हल्का सा ओले भी गिर रहे हैं। ये दुकान है छोटा सा,
कपला बस्ती बोलते हैं, कपला बस्ती नाम से जाना जाता है। यहाँ से मेरा दोस्त का घर भी है, समय पे लेके जाऊँगा उसे घर पे। अभी तो फिलहाल वीडियो बनाने व्यस्त हूँ मैं। क्या बोलो दोस्तों, वीडियो बनाने आसान नहीं होता, देखने में आसान लगता है, वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है वो हमें मालूम पड़ रहा है। पहले मैं भी देखता था यूट्यूब वगैरह तो बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत सुविधा है लगता था, लेकिन सुविधा नहीं है ये, इसमें भी मेहनत करना पड़ता है। देखिए अभी बारिश भी गिर रहा है, पानी भी आ रहा है, और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, वीडियो अच्छा बने ताकि आप लोग को इन्जॉय ला सकूँ, आप लोग को पसंद आए मेरा वीडियो, इसलिए तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे जानेंगे, मैं आपको जानूँगा। ये तो मेरा पहला वीडियो है, इसके चलते मैं आज थोड़ा सा ही जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ढाबा दोस्तों, आप लोग का वीडियो बनाते बंद है, बारिश भी गिर गया और मेरे को कहीं भी जाकर रुकना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी पूरा भीग जाऊंगा। यहाँ पे रुकने का जगह भी तो नहीं है, कहाँ पे रुकूं, कहाँ पे आशा का नजदीक से नहीं दिखा पाया आप लोगों को, उसके लिए वेरी सॉरी। अब किसी दिन आना होगा तो मैं आप दोस्तों को दिखा दूंगा, गाड़ी का बहुत जाम हो गया था वहाँ पे ना, उसके लिए जाके आपको दिखा नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखा दूंगा उस उधर का वीडियो, अच्छी तरीके से दिखा दूंगा, तब मौसम साफ रहेगा, खुला रहेगा। जा रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए सिलीगुड़ी 135, रंगपुर 210, कोलकाता 707 लिखा हुआ है। यहाँ से कोलकाता सिलीगुड़ी मस्त है, यहाँ पे आके मस्त मगन हो जाता है, बहुत नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का सीन वगैरह, घर वगैरह, कॉटेज वगैरह, रिसोर्ट वगैरह सब भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, बहुत मस्त है। भीतर ये सब भूटान है, ऊपर में घर दिख रहा है ना घर, ये सब भूटान है, वो रास्ता है भूटान का, वो गाड़ी जा रहा है, देखिए वहाँ पे ऊपर में देखिए गाड़ी वाड़ी जा रहा है, ये भूटान है, हम लोग यहाँ इंडिया है। ऊपर का घर दिख रहा है वो भूटान का घर है, होटल लोग रहते हैं यहाँ कुछ लोग, वो गाड़ी दिख रहा है, गाड़ी कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा मालूम, गाड़ी दिख रहा है वो सब भूटान है, इतना नज़दीक है हम लोग यहाँ पे। ये
थोड़ा नजदीक से नहीं दिखा पाया आप लोगों को, उसके लिए वेरी सॉरी। किसी दिन आना होगा तो मैं आपको सबको दिखा दूंगा। गाड़ी का बहुत जाम हो गया था वहाँ पे ना, उसके लिए जाके आपको दिखा नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखा दूँ। हाय दोस्तों, बारिश के चलते आज मैं ठीक प्रकार से वीडियो बना नहीं पाया। बारिश भी बहुत तेज आ रहा था, उससे हम मैं घर की तरफ आ गया, फिर अपना घर पर पहुँच गया हूँ। और ये मैं भी अपना वीडियो को समाप्त और अंत करना चाहता हूँ। और अंतिम अंत में ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा उसके लिए। और बाकी का बात मैं आपको अगला वीडियो में बताऊँगा। इसके लिए आप मेरा वीडियो से जुड़े रहिए। धन्यवाद।